दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान को लेकर अक्षय कुमार का बेहतरीन रिएक्शन सामने आया है। पठान के बाद शाहरुख खान एक अलग ही लेवल का दबदबा बन चुका है, हर कोई उनकी तारीफ करता है। फिलहाल उनकी आगामी फिल्म जवान को लेकर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अक्षय किंग खान की फिल्म को लेकर कहते हैं कि जवान जून में रिलीज होती तो वो अपनी फिल्म बड़े भी पोस्टपोन नहीं करते। दोस्तों, जवान को जून में रिलीज किया जाना था, लेकिन विजुअल की वजह से फिल्म को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने लगभग 1000 करोड़ की कमाई की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 500 करोड़ पठान ने इंडिया से कमाए तो बाकी की रकम विदेशों से कमाई थी। फिलहाल जवान का क्रेज पठान से भी ज्यादा है और ऐसा लगता है ये फिल्म पठान के साथ साथ बाकी फिल्मों को भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और ये फिल्म पठान से काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। दोस्तों, जवान की हाइप इतनी ज्यादा है कि ये फिल्म पहले दिन ही 100 करोड़ की दुनिया भर से ओपनिंग कर सकती है। जवान अगर पोस्टपोन नहीं होती तो पूरा जून का महीना जवान का होता, लेकिन इसको रिलीज होने में 3 महीने का टाइम और मिला है। जवान के मेकर्स अभी इसको लेकर काफी तेजी से काम कर रहे हैं और फिल्म का टीजर हमें किसी भी समय देखने को मिल सकता है। इसके बाद शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है। फिल्म बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। दोस्तों, डंकी एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म होगी जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इस फिल्म को सिर्फ 100 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और क्लासिक फिल्म के लिए इतना बजट बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस फिल्म में कॉमेडी के साथ थोड़ा इमोशनल सीन भी देखने को मिलेगा। राजकुमार हिरानी की अभी तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है सबने रिकॉर्ड तोड़े हैं। फाइनली पहली बार शाहरुख खान और राजू हिरानी कोई फिल्म एक साथ कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 रखी गई है और इससे पहले हमें जवान और टाइगर 3 में शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा किंग खान की फिल्म जवान का इंतजार है और उसके बाद हम बाकी फिल्मों का भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप लोग जरूर बताना कि आपको कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार।